बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरे डायफ्रेक्शन, और इन पर्टिकुलर इसके अंदर हम लॉवेस ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ब्रैग्स ट्रीटमेंट क्या है। ब्रैग्स ट्रीटमेंट में आपने देखा था कि एक्सरेस आ रही हैं, एक सबस्ट्रेट या किसी मटेरियल से कोलाइड करती हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो स्कैटर हो जाती हैं। लेकिन हमने क्या किया था ब्रैग्स ट्रीटमेंट के अंदर, डब्ल्यू एच ब्रैग और डब्ल्यू एल ब्रैग ने सॉलिड मटेरियल को एक एरे ऑफ प्लेन्स कंसिडर किया, पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, और जो एक्सरेज थी वो उन पैरेलल प्लेन से डायफ्रैक्ट हुई और फिर उनका हमने पैटर्न स्टडी किया कहाँ पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं। तो लेकिन अब लॉवेज ट्रीटमेंट जो है ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें वो प्लेन कंसिडर नहीं करता, ठीक है, बल्कि प्लेन की बजाय इंडिविजुअल एटम्स को कंसिडर करता है। यानी कि एक्सरे आती हैं वो इंडिविजुअल एटम से इंटरेक्ट करती हैं और डायफ्रैक्ट हो जाती हैं, तो फिर उनकी एक अपनी डायफ्रैक्शन कंडीशन बनती है, कुछ इक्वेशंस बनती हैं जो इक्वेशंस खास वैल्यूज पर जो है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी और कुछ वैल्यूज पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। तो उनसे फिर जो पैटर्न बनेगा वो लॉवेस पैटर्न कहलाता है और इस तरह की ट्रीटमेंट को हम लॉवेस ट्रीटमेंट कहते हैं। और इनसे जो डायफ्रेक्शन कंडीशंस हमें हम निकालेंगे मैथमेटिकली वो हमारे पास लॉवेस इक्वेशंस कहलाती हैं। तो अब एक और क्वेश्चन है कि अब वो जो पैरेलल प्लेन से डायफ्रेक्शन जो कि ब्रैग्स की डायफ्रेक्शन है और इंडिविजुअल एटम से डायफ्रेक्शन जो कि लॉवेस डायफ्रेक्शन है, तो दोनों ही एक्चुअली डायफ्रेक्शन की नेचर तो सेम है, जस्ट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट कि उसमें हम पैरेलल प्लेन्स ले रहे हैं ब्रैग्स में और यहाँ पर हम इंडिविजुअल एटम्स ले रहे हैं। तो जब एक्चुअल सिस्टम एक है तो उनके रिजल्ट्स जो है ना वो आपस में कोइंसाइड करने चाहिए। तो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखेंगे कि जो ब्रैग्स लॉज है इन ब्रैग्स जो डायफ्रेक्शन कंडीशंस हैं जो इक्वेशंस हैं ब्रैग्स लॉ की दे आर इक्विवेलेंट विद लॉवेस इक्वेशंस, उनको हम एक दूसरे से निकाल सकते हैं, यानी एक को उससे निकाल सकते हैं दूसरे को, यानी कि ब्रैग्स इक्वेशन हमें पता हो तो हम लॉवेस इक्वेशन निकाल सकते हैं और लॉवेस इक्वेशन पता हो तो ब्रैग्स इक्वेशन। तो बेसिकली बोथ लॉज आर इक्विवेलेंट, ठीक है, उनमें कोई ऐसा बुनियादी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, हम उनको एक दूसरे से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लॉवेस ट्रीटमेंट। आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि लॉवेस में हम इंडिविजुअल पैटर्न्स को कंसिडर करेंगे और उन्हीं से रेज को डायफ्रेक्ट करवाएंगे। तो इस वे से हम एक दफा देख लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक ये होगा कि क्या ब्रैग्स लॉ और लॉवेस ट्रीटमेंट और लॉवेस इक्वेशन ये आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि दोनों वेज ऑफ जो इंटरप्रिटेशन है दुरुस्त है, हम बेशक प्लेन से करें या हम इंडिविजुअल एटम से करें, रिजल्ट सेम आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। When Lovell's treatment or when Lovell's equations, तो इसका बुनियादी अगेन वही पॉइंट है कि यू कैन सी स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स इन द क्रिस्ट। It will be shown below the diffraction maxima appear in some specific directions which obey certain conditions known as Lovell's equations. यानी कि वो
मैक्सिमाज आपको वहां पर नजर आएंगे उन रेज के लिए जो रेज लॉवेज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जो लॉवेज इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो जो है ना वो मैक्सिमा शो नहीं करेंगी। इट ऑल्सो प्रूव वैलिडिटी ऑफ ब्रैग्स ट्रीटमेंट एंड ब्रैग्स लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम लॉवेज इक्वेशन। और यहाँ से यानी लॉवेज इक्वेशन से ही हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ब्रैग्स लॉ भी वैलिड लॉ है, दोनों जो है वो वैलिड लॉज है। तो चलें आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें कि ये आपका ए पॉइंट पर कोई एटम है, ठीक है, क्रिस्टल के इनसाइड, और बी पॉइंट पर भी कोई एटम है। तो और भी बहुत सारे एटम्स होंगे, ये पूरा एक लैटिस होगा, लेकिन हम उनमें से सिर्फ दो कंसीडर कर रहे हैं ताकि पिक्चर कम्प्लेक्स ना हो। तो इसमें आप देखें कि ये एन वन जो है रे जा रही है, ये एटम ए के साथ जाके डायफ्रेक्ट होती है और एन टू डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। एन टू यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है, एन वन यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरीके से यहां से कोई एन वन आती है और ये एन टू डायरेक्शन में क्या है स्कैटर हो जाती है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग इस ये जो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये, और इस ए पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करते हैं ये, ठीक है। और अगर बी और ए एटम को ट्रांसलेशन वेक्टर से मिलाना चाहें तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और हम एन वन और एन टू के दरमियान जो एंगल अज्यूम करते हैं वो हम टू थीटा अज्यूम करते हैं। हम थीटा भी कर सकते हैं लेकिन टू थीटा करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ये हमारे पास अब है सिचुएशन। अब आप देखें कि हमने अगर पाथ डिफरेंस निकालना चाहें, ठीक है, तो अब आप देखो कि मतलब यहां से लेकर M तक N1 सेम है, ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये भी देखें यहां से लेकर B तक सेम है, ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से A से ऑनवर्ड आप यहां पर देखें N2 को, और L से ऑनवर्ड N2 को देखें तो ये सेम है। दरमियान में ये जो रीजन रह जाता है ये डिफरेंस का रीजन है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट रीजन है, जबकि ये जो राइट पर है और टोटली लेफ्ट पर रीजन है ये वाला, ये दोनों में आइडेंटिकल है। तो अब हमें इस रीजन के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि इस रीजन में कौन सी रे ज्यादा ट्रेवल करेगी, कौन सी कम ट्रेवल करेगी। तो आप देखोगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना ए एम, ये ऊपर वाली रे के लिए है एक्स्ट्रा, और बी एल जो है ना वो नीचे वाली रे के लिए एक्स्ट्रा है। तो अब इन दो जो जो ये जो डिस्टेंसेस हैं इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे ना तो वो होगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, यानी कि दोनों रेज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो आप ए एम माइनस बी एल कर लें या बी एल माइनस ए एम कर लें, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस। तो ये ए एम माइनस बी एल को इसने पाथ डिफरेंस कहा है। अब ए एम को हम किससे शो कर सकते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से ए एम को हम एन वन से शो कर सकते हैं, और बी एल की ये देखें ना ये एन वन की डायरेक्शन में है ये स्ट्रेट लाइन में, और बी एल किस डायरेक्शन में, एन टू की डायरेक्शन में, ये टिल्टेड डायरेक्शन में है। और इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास आर है, यानी आर को इसके ऊपर हम प्रोजेक्शन देखेंगे तो आर डॉट एन टू होगा, और R का अगर हम इसके ऊपर प्रोजेक्शन देखें तो R डॉट एन वन हो। तो ए एम को हम R डॉट एन वन लिख सकते हैं और बी एल को हम R डॉट एन टू लिख सकते हैं। अब R हमने ले लिया कॉमन तो ये एन वन माइनस एन टू अंदर आ जाएगा, एन वन माइनस एन टू को हम कैपिटल N से शो कर देंगे तो ये R डॉट कैपिटल N होगा, वेयर N इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल एन वन माइनस एन टू, ये हम लोगों ने अज्यूम। अच्छा तो वो एक चीज हो गई हमारे पास, यानी कि R डॉट n जो है वो हमारे पास पाथ डिफरेंस है। अच्छा अब अगर हम ये जो कैपिटल N है ना इसको भी हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये एक कोई और रे आ रही है n1 और ये उसकी डायफ्रेक्टेड रे n2 है, इनके दोनों के दरमियान ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ इनका एंगल
थीटा है, और इस एन वन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये एन वन यहाँ चला जाएगा। अब ये एन वन माइनस एन टू अगर हम करते हैं ना, तो इनका जो हेड टू टेल रूल है उससे ये वाला डिफरेंस बनेगा एन वन माइनस एन टू, जिसको हम कैपिटल एन कहेंगे। अब अगर ये कैपिटल एन में लिखना चाहूँ ये क्या होगा, ये बेसिकली अब आप देखो ये जो एन टू है इसका ये वाला पार्ट क्या बनेगा, एन टू और ये एंगल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एन टू साइन थीटा होगा, और ये वाला क्या है, ये एन वन साइन थीटा होगा। आप चेक कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर ना, तो ये वाली जो साइड है वो कॉस थीटा होगी, ये वाली साइन थीटा होगी, जो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास होता है। तो ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, यानी कैपिटल एन जो है वो हमारे पास टू साइन थीटा के इक्वल है, ये बात याद रखना। और आपको पता है कि फेज डिफरेंस, आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा होगा बीएससी में, कि जो फेज डिफरेंस है ना वो इक्वल होता है टू पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, टू पाई ओवर लैम्डा के इक्वल होता है, यानी कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के वेव वेक्टर इनटू द पाथ डिफरेंस, ये आपने पढ़ा होगा, प्रूफ भी किया होगा, तो मैं इसके प्रूफ में नहीं जाता। यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हमारे केस में क्या है, हमने अभी ये निकाला था पाथ डिफरेंस, आपको याद होगा ये पाथ डिफरेंस हमने आर डॉट एन निकाला है, ठीक है। तो हम फेज डिफरेंस क्या क्या लिखेंगे, हम फेज डिफरेंस लिखेंगे, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस आर डॉट एन, या तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस आएगा। अब अगर ये फेज डिफरेंस जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए इंटेग्रल मल्टीपल हो 2 पाई का, क्योंकि फेज जो है ना मैक्सिमम उसकी वैल्यू 2 पाई होती है ना एंगल की टोटल मैक्सिमम वैल्यू, तो उस मैक्सिमम वैल्यू के अगर इंटेग्रल मल्टीपल हो तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई के इंटेग्रल वैल्यू ना हो, इंटेग्रल मल्टीपल ना हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आप देखें कि अगर हमारे पास हम ए डायरेक्शन आर जो है, आर के अंदर ए बी सी तीनों वेक्टर्स होंगे जिनको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हम कहते हैं। तो अगर मैं ए डायरेक्शन लेता हूं तो ये 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू ए डॉट एन, ये फेज डिफरेंस होगा 2 पाई ओवर लैम्डा ए डॉट एन, और ये 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल, ये जो एच प्राइम है ना ये कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ये h प्राइम, और h प्राइम हमारे पास n इंटू एच की इक्वल हम अज्यूम करते हैं, फिर हमारे पास ये जो h होगा वो मिलर इंडेक्सेस की तरह का चीज हो जाएगी, यानी इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा n वो निकाल लिया जाएगा। तो ये आप लिखें ना लिखें फिर भी कोई इशू नहीं, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं कि ये 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये लॉवेज इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। एक दूसरी क्या होगी, अब यहाँ तो मैंने एक डायरेक्शन लिया ना ए डायरेक्शन, अगर मैं ए की बजाय बी डायरेक्शन ले लूं तो ये बी डॉट एन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इसको इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसी इंटीजर का, के प्राइम इज इंटीजर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं सी डायरेक्शन लेता हूं तो आर डॉट एन अब हो जाएगा सी डॉट एन, ये भी किसी एल प्राइम का इंटेग्रल मल्टीपल, ठीक है, वेयर एल प्राइम इज इक्वल टू एन इंटू एल, के प्राइम इज इक्वल टू एन इंटू के, ठीक है ना, एच के एल जो है वो इंटीजर्स हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या कहलाती हैं, इनको लॉवेज इक्वेशन कहते हैं। अगर तो आपकी जो रेज हैं वो इन कंडीशंस को ओबे करेंगी, ठीक है, तो तब तो वो कहलाएंगी मैक्सिमा शो करेंगी, और इन केस के अगर वो इन 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 कंडीशन को ओबे नहीं करती तो वो मिनिमा शो करेंगी। इन लॉवेज इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब ए डॉट एन है, ठीक है, तो इसको हम ए जो है ना वो नॉर्मल के साथ जो एक्सेस बनाती है, यानी ए एक्सेस जो है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस वो अल्फा एंगल अगर सपोज बनाए, बी जो है वो बीटा बनाए और सी गैमा एंगल बनाए, तो ए एन कॉस अल्फा, यानी ए डॉट को कैसे हम शो करते हैं, डॉट के साथ हमारे पास कॉस फंक्शन आता है, तो ये ए एन कॉस अल्फा हो जाएगा, और एन किसके इक्वल है, वो हमारे पास 2 साइन थीटा के इक्वल है, पहले हम कर चुके हैं n इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू अगर हम 2 साइन थीटा इधर पुट कर दें और an
कॉस अल्फा, और एन की वैल्यू टू साइन थीटा पुट करें तो ये हो जाएगा टू ए साइन थीटा कॉस अल्फा, यानी ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो हो जाएगी टू ए साइन थीटा कॉस अल्फा, टू ए साइन थीटा कॉस अल्फा, यानी ए डॉट एन जो है वो हमारे पास ए एन कॉस अल्फा है और एन की वैल्यू है टू साइन थीटा, तो ये हमारे पास ए डॉट एन क्या आ जाएगा टू ए साइन थीटा कॉस अल्फा। तो अगर मैं ये पुट करता हूँ इधर 2a sin theta cos alpha, ठीक है, तो ये आप देखेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a sin theta cos alpha equal to h prime into lambda। सिमिलरली ये हम b dot n को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम bn cos beta लिख सकते हैं और n की वैल्यू पर 2 sin theta पुट करेंगे। इसी तरीके से cn cos gamma और n की वैल्यू 2 साइन थीटा पुट करेंगे तो फिर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ये वाली a डॉट n 2a साइन थीटा कॉस अल्फा, b डॉट n 2b साइन थीटा कॉस अल्फा, c डॉट n 2c साइन थीटा कॉस अल्फा, ठीक है, और ये h प्राइम लैम्डा k प्राइम लैम्डा, और h प्राइम जो है वो हमारे पास nh के इक्वल है तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं nh लैम्डा, k प्राइम को हम एन के लिख सकते हैं, एल प्राइम को हम एन एल लिख सकते हैं, तो ये सारी जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती हैं, ये लॉ ऑफ एस इक्वेशन कहलाती हैं। दोनों फॉर्म्स में ये दुरुस्त है, तो प्रीवियस मैंने फॉर्म आपको बताई है उस फॉर्म में भी ये दुरुस्त है और इस फॉर्म में भी ये दुरुस्त है, दोनों फॉर्म्स में हम इनको लिख सकते हैं, तो आप जिस फॉर्म में लिखना चाहें आप इसको लिख लें। तो अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ, ब्रैग्स डायरेक्शन और लॉविस डायरेक्शन में जो बुनियादी थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल डिफरेंस ये है कि ब्रैग्स लॉ में हम पूरे सॉलिड मटेरियल को इंडिविजुअल प्लेन्स के तौर पे अज्यूम करते हैं, सेट ऑफ प्लेन है, एक प्लेन ये आ रही है, एक प्लेन ये आ रही है, ये आ रही है, एक ये आ रही है, मुख्तलिफ प्लेन्स इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, तो और फिर हर प्लेन से मतलब ये प्लेन है तो इससे रे आ रही है और ऐसे स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, ये तो वहां पर थ्योरी थी। और फिर इसमें से जो जो हमारा पाथ डिफरेंस था वो अगर एन लैम्डा की को आ रहा था तो सिचुएशन क्लियर हो रही थी। अच्छा, अब लेकिन लॉवेज ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि ये जो प्लेन्स हम ब्रैग्स लॉ में कंसिडर कर रहे थे ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन थी, वो एक्चुअली तो ऐसी कोई प्लेन्स ड्रॉ तो नहीं की होती सॉलिड्स में, सॉलिड्स में तो एटम्स होते हैं मुख्तलिफ लैटिस पॉइंट्स पे, तो लॉवेज ने उसको थोड़ा सा और जो है ना वो प्रिसाइज करने की कोशिश की और उसने प्लेन्स की बजाय एटम्स को डायरेक्टली कंसिडर किया और एक एटम पड़ा, ठीक है, और उससे एक रे आके डायरेक्ट कर रही, तो उस सिचुएशन में हमें पाथ डिफरेंस के साथ साथ फेज डिफरेंस को इन्वॉल्व करना पड़ा और जैसे आपने देखा कि दोनों हमने चीजें इन्वॉल्व की और आपको पता है कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इस इफेक्ट को हमने यूज किया और फिर हमने देखा कि अगर फेज डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम किया आया तो वो जो कंडीशंस बनी वो लॉवेज इक्वेशन कहलाएं और जो भी रेस इन कंडीशन को फॉलो करेंगी तो वो मैक्सिमा देंगी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी और जो इनको फॉलो नहीं करेंगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न बनेगा जिस पैटर्न को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न हर मटेरियल के लिए यूनिक है। एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट, जिस तरीके से हर इंसान का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है हर मटेरियल का एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न मुख्तलिफ होता है, इससे हम उस मटेरियल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं डिटेल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो पैरामीटर है। जितने भी मटेरियल साइंस में डेवलपमेंट हुई है उसमें एक्सरे डायफ्रैक्शन को बहुत किरदार है क्योंकि ये सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता है, उसकी मतलब पॉइंट्स बताता है, फिर उसके आगे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम इनसे डिटरमिन करते हैं। तो ये हमारे पास थी एक्सरे डायफ्रैक्शन, आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है वो हमारा होगा
इम्पोर्टेंट टॉपिक वो होगा रेसिप्रोकल लैटिस। तो यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद रमजान, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी जी मैमूना इमरान, क्वेश्चन है तो पूछ लें। बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो ये क्या इशू है? बाज़ बच्चे बगैर वजह के अनम्यूट कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछना हो तो फिर भी अनम्यूट कर देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं शायद। चलें नो क्वेश्चन, तो फर्दर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल लेटर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। अल्लाह हाफिज़।